नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आपका टेस्ट है, उस टेस्ट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। बढ़ चढ़कर के मतलब आप लोगों का सभी को अपना स्कोर जरूर बताना है कि कितना स्कोर आज आप गेन करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न एकदम हूबहू आपके जैसे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या की बात करें तो संख्या यहां पर आप देख सकते हैं, प्रश्न भी बहुत धमाकेदार प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन हम जरूर देते हैं आपको, और आज आप यहां पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि सीएचएसएल का फाउंडेशन क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे सीएचएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस बैच में एडमिशन जरूर लेंगे, और इसमें बिल्कुल सीएचएस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए करना क्या है, हमारी वेबसाइट है myshop.mahindraj.org, इस पर विजिट करिए, और इस पर विजिट करने के बाद में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसको हम लोग लाइव गुरु के नाम से जानते हैं, जहां पर यानी कि यूट्यूब पर भी आप लोग पढ़ते हैं और लाइव गुरु में भी पढ़ते हैं। तो यूट्यूब पर जब कमेंट्स चलते हैं तो उसमें हम सारे बच्चों के कमेंट्स यानी कि वन बाय वन हम उनके कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए लाइव गुरु की क्लास में हम आपके सीधे एक एक बच्चे का कमेंट का वहां पर उत्तर देंगे। अगर कोई भी मन में वहां पर प्रश्न है तो उसको उसका उत्तर आपको लाइव गुरु में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें आपको सही बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विटामिन को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा इसमें दिया गया स्टेटमेंट, कई विटामिन सह एंजाइम में परिवर्तित होते हैं, इसलिए वे ना तो ऊर्जा प्रदान करते हैं और ना ही ऊतकों में शामिल होते हैं। दो स्टेटमेंट हैं, अब आपको बताना है केवल एक सही है या केवल दो सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत है। फटाफट आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, क्या सही होगा। देखो भाई, विटामिन की बात है, विटामिन की अगर खोज पूछी जाए तो कैसिमर फंक ने विटामिन नाम गढ़ा था। विटामिन शब्द जो दिया वो कैसिमर फंक के द्वारा दिया गया था। तो बिल्कुल विटामिन को दो समूहों में बांटा गया, यानी कि जल में घुलनशील वाटर सेल्यूबल और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में अगर हम बात करते हैं तो बी एंड सी है, वसा में बात करते हैं तो ए डी ई के, एडक याद रखना है वसा में। ठीक है भैया, अब देखिए ये तो आपका सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि विटामिन सह एंजाइम में परिवर्तित होते हैं, इसलिए वे ना तो ऊर्जा प्रदान करते हैं और ना ही ऊतकों में शामिल होते हैं, ये बात भी एकदम सही है। तो यानी कि प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो गया, दोनों के दोनों आपके सही है। ठीक है, अब विटामिन के बारे में हम जान लेते हैं। विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य उपापचय कार्यों को बनाए रखने के लिए आहार में थोड़ी मात्रा में कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन की खोज की तो कैसिमर फंक ने इसको नाम दिया था, नाम गढ़ा था, लेकिन अगर खोज की बात की जाएगी तो सबसे पहले हम एफ सी हॉपकिंस का नाम लेते हैं, और एफ सी हॉपकिंस से पहले भी हम लोग नाम लेते हैं लूनिन का। किसका नाम लेते हैं, लूनिन ने सबसे पहले गुस्ताव वान वंगस नामक प्रयोगशाला में प्रयोग किया और एक प्रकार का पता लगाया, उसको विटामिन कहा गया लेकिन वो नाम नहीं दे पाए, और नाम देने वाले थे कैसिमर फंक। 1912 में इन्होंने विटामिन को नाम दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन एडक हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे आपके, बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। पहला सामने दिया गया है फोटोग्राफिक सब्सटेंस, फोटोग्राफी पदार्थ, और उसके सामने दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड। फिर है आपका ये फोटोक्रोमिक ग्लासेस, इसके सामने दिया गया मतदान स्याही। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, केवल एक सही है, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है। फटाफट आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए भैया। देखो फोटोग्राफिक प्लेट, क्या फोटोग्राफिक प्लेट को सिल्वर ब्रोमाइड प्रभावित करता है क्या, आंसर आ रहा है ओनली टू, ओनली टू आंसर आ रहा है।
अरे भैया ओनली टू सही पूछा है, गलत नहीं पूछा है। हमने यहां पर गलत नहीं पूछा है, यहां पर सही पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, करेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट की बात करेंगे तो केवल एक यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड होगा, ठीक है। लेकिन मतदान स्याही में क्या हम फोटोक्रोमिक ग्लास का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो जान लेते हैं इसको हम लोग, फोटोक्रोमिक ग्लास की बात करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहां पर फोटोग्राफिक सब्सटेंस तो सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच दिया गया था। अगर सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं, जो मतदान में जो हम लोगों की उंगलियों पर एक स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट होती है। अगर बात करें हम कृत्रिम वर्षा की, आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं, तो ये सिल्वर आयोडाइड यानी कि AGI के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है भैया। ये रहा आपका नंबर दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है मगरमच्छ के पास चार कच्छीय हृदय होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है छिपकली के हृदय में तीन चैंबर होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सिंह के पास चार कच्छीय हृदय होते हैं, और फिर है मछली के पास एक कच्छीय हृदय होता है। इसमें आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ भैया देखिए, मानव का हृदय तो चार कोष्ठी होता है, दो आलिंद हो गए और दो निलय हो गए, यानी कि दायां आलिंद दायां निलय, यहां पर भी लेफ्ट राइट और यहां पर भी लेफ्ट और राइट, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे हमको दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर है, एकदम सही है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर फोर आंसर कर रहे हैं एकदम सही है, यानी कि मगरमच्छ के पास चार कच्छी हृदय होता है, एकदम सही बात है। छिपकली में तीन चैंबर होते हैं हृदय में, एकदम सही बात है। सिंह के पास भी चार कच्छी हृदय होता है, मानव के पास भी चार कच्छी हृदय होता है, एकदम सही है। लेकिन मछली के पास एक कच्छी हृदय नहीं होता है, मछली में दो कच्छी होता है, आपको याद रखना, इसलिए यह वाला स्टेटमेंट रॉन्ग था। अब यहां पर आप देख सकते हैं छिपकली के हृदय में तीन चैंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ऑल द रेप्टाइल्स हैव थ्री चैंबर्स हार्ट। अगर मगरमच्छ को छोड़ दें तो सभी शरीर सर्पों का हृदय तीन कक्षीय होता है। क्रोकोडाइल हैव फोर चैंबर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल का हो गया, शेर का हो गया, ये सभी आपके फोर चैंबर्ड वाले हो गए, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहां पर आप शेर का एक फोटो देख सकते हैं, बहुत शानदार शेर का फोटो दिया गया है। कबूतर के पास कितने कक्षीय होता है? चार कक्षीय कबूतर के पास हृदय होता है। मछली के पास अगर बात करें तो दो कक्षीय हृदय मछली के पास होता है, और सिंह के पास में चार कक्षीय हृदय होता है, ठीक है भैया, ये बात समझ में आई। तो ये जो हार्ट चैंबर्स हैं, यहां से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जिस देश को फ्लाइंग फिश की भूमि कहा जाता है उसकी राजधानी क्या है? फ्लाइंग फिश की भूमि जिस देश को कहा जाता है उसकी राजधानी बताना है। ब्रिज टाउन है या एवा सितनी है या मासेरू है या कोनाक्री है? फटाफट आंसर करिए, सही आंसर क्या होगा? देखो भाई समझना है, ये तो हो गया आपका किसका, बारबाडोस की कैपिटल, ये हो गई आपकी लेसेथो की कैपिटल, ये हो गई आपकी गिनी की कैपिटल, और ये हो गई आपकी स्वाजीलैंड की कैपिटल। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है जिसको हम लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका देश के अंदर दो देश, एक है आपका लेसेथो, दूसरा है आपका स्वाजीलैंड। तो स्वाजीलैंड की राजधानी हो गई एवसातिनी, ठीक है, और मासेरू हो गई आपकी लेसेथो की राजधानी, बारबाडोस की हो गई ब्रिज टाउन, और यहां का फ्लाइंग फिश की भूमि कहा जाता है बारबाडोस को, यानी कि किसको कहा जाता है याद रखिएगा, बारबाडोस को कहा जाता है फ्लाइंग फिश की भूमि। अब क्यों कहा जाता है फ्लाइंग फिश की भूमि कहने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां का जो नेशनल सिंबल है वो बेसिकली फ्लाइंग फिश है। क्या है इसका सिंबल? फ्लाइंग फिश है, इसीलिए फ्लाइंग फिश की भूमि बारबाडोस, और उसकी राजधानी क्या हो गई आपकी ब्रिज टाउन। बात समझ में आ गई होगी। चित्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से,
ये मछलियां जो हैं वो उड़ रही हैं, यानी कि इसीलिए इनको फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात। बारबाडोस फ्लाइंग फिश की भूमि के रूप में और मछली इस देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक माना जाता है। अब लेसोथो की राजधानी पूछी जाए तो मासेरू, स्वाजीलैंड की राजधानी पूछी जाए तो एसुवातिनी, और अगर गिनी की राजधानी पूछी जाए तो कोनाक्री या गिनी की राजधानी। किसकी राजधानी है? गिनी की राजधानी आपकी कोनाक्री हो जाएगी। क्लियर है। अगला प्रश्न, बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर करिए भैया। दीपक दुबे जी आंसर करिए, बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में? अब इस पिक्चर से तो अंदाजा लग गया होगा, बिल्कुल अंदाजा लग गया होगा। अगर इस पिक्चर से हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका दिया गया है बाबा बुदन, ठीक है, ये आपकी नीलगिरी हिल्स दी गई हैं, और ये ऊटी है, इसको बोलते हैं हम लोग उदगम मंडलम। उदगम मंडलम ये ऊटी का नाम है, ठीक है। ये अन्नामलाई की हिल्स हो गई, ये आपकी पालिनी की हिल्स हो गई, ये इसके बाद में आपका नीचे अगस्तमलाई की हिल्स हो गई। तो बाबा बुदन अगर पूछा जाएगा, तो बाबा बुदन की अगर बात करें तो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर नामक स्थान पर कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अब गोवा अगर पूछा जाए तो गोवा की कैपिटल आप बता सकते हो पणजी है। अगर नदी पूछी जाए तो नदी आपकी पूछी जाएगी तो मांडवी नदी के किनारे। किसके किनारे? मांडवी के किनारे। केरल अगर पूछा जाए तो केरल आप बता सकते हैं कि मानसून, अगर मानसून सबसे पहले एंटर कहां पर करेगा भारत में, तो मानसून सबसे पहले केरल में एंटर करता है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें, भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मानी जाती है, महाराष्ट्र की राजधानी है। और इस महाराष्ट्र का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जिसको हम लोग तमाशा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गई भैया बात। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए, कुछ और अन्य पहाड़ियां हैं, उनको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर कभी आपसे पूछा जाए गारो, खासी, जयंतिया, अगर गारो खासी जयंतिया का क्रम कभी पूछा जाए तो इसी क्रम में है, सबसे पहले गारो, नंबर दो पर खासी, नंबर तीन पर जयंतिया, और तीनों के तीनों कहां पर हैं? ये मेघालय में। कहां पर हैं? ये मेघालय में स्थित है। बात समझ में आ गई भाई। तो बाबा बुदन का आंसर मिल गया आपको कर्नाटका। अगला प्रश्न, अगत्ती हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागपुर या बेंगलुरु? फटाफट आंसर करिए, अगत्ती हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? देखो, हवाई अड्डों से क्वेश्चन आ जाता है, अब उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हवाई अड्डा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो भाई, हवाई अड्डा पूछा गया है तो बेसिकली हवाई अड्डा अगत्ती एक क्या है? द्वीप है। अगत्ती भी एक द्वीप है, और यह द्वीप है कहां पर? तो यह द्वीप है आपका लक्षद्वीप में। तो याद रखिएगा, अगत्ती हवाई अड्डा आपका लक्षद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की अगर कैपिटल की बात की जाए तो कवारत्ती राजधानी है। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप ही है, ठीक है। अंडमान निकोबार 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर बात करें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी हो गया। नागपुर की बात करें तो इसको हम लोग संतरा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतरा नगरी के नाम से नागपुर को जाना जाता है। बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। अब इन सभी में जहां जहां पर जो एयरपोर्ट हैं स्थित हैं उनको हम जान लेते हैं। कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित, ठीक है। अगर बात करें नागपुर में तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर आए? नागपुर में। अगर हम बात करें वीर सावरकर एयरपोर्ट, तो वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां पर? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कौन सा?
आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भैया बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जान लेते हैं अगत्ती। अगत्ती हवाई अड्डा भारत में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में अगत्ती के दक्षिणी छोर पर स्थित है, याद रखना है। यह द्वीप समूह में एकमात्र हवाई पट्टी है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग, लाल पांडा जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है? क्या वो फूलों की घाटी है, या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, या सागर माथा है, या ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर करिए। बेंगलुरु को बेटा सिलिकॉन सिटी कहते हैं, हाईटेक सिटी कहते हैं हैदराबाद को। हाईटेक सिटी इज हैदराबाद एंड सिलिकॉन सिटी इज बेंगलुरु। फटाफट आंसर करिए, सही उत्तर क्या होगा? देखो, फूलों की घाटी कहां पर? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिला पूछा जाए तो नैनीताल, अगर इसके समीप शहर पूछा जाए तो रामनगर। ठीक है, सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सही क्या है? सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग और लाल पांडा जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, जानते हैं हम सागर माथा के बारे में। सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर नेपाल के हिमालय में एक संरक्षित क्षेत्र है। अगर हम बात करें इस पर माउंट एवरेस्ट, सागर माथा सहित बर्फ से ढके पहाड़ों की प्रधानता है। इसमें ग्लेशियरों, घाटियों और पगडंडियों को भी शामिल किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? सागर माथा। अगला प्रश्न, सिनेमेटोग्राफी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? सिंपसन हैरिसन ने, ब्रैकेट ने, सैमुअल कोल्ट ने, या थॉमस एडिसन ने? फटाफट आंसर करिए, सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो भैया, सिंपसन और हैरिसन की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या निकल के आता है? क्लोरोफार्म निकल के आता है, क्लोरोफार्म, सिंपसन और हैरिसन। अगर हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर, अगर हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो निकल के आता है ब्रैकेट का नाम। अगर हम लोग रिवाल्वर की बात करते हैं, किसकी? रिवाल्वर की, तो निकल के आता है सैमुअल कोल्ट। लेकिन अगर सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी जिसको हम लोग सिनेमेटोग्राफी या छायांकन के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा थॉमस एडिसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ब्रैकेट के द्वारा हेलीकॉप्टर का, सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवाल्वर का, थॉमस एडिसन के द्वारा सिनेमेटोग्राफी या छायांकन का, सिंपसन हैरिसन के द्वारा क्लोरोफार्म का, और माचिस अगर पूछा जाएगा तो लैंड स्ट्रॉम के द्वारा माचिस यानी कि मैच बॉक्स, सेफ्टी बॉक्स मैच का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वामी एंड फ्रेंड्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायणन, के आर नारायणन, विक्रम सेठ, या सलमान रुश्दी? सही उत्तर क्या होगा? आंसर करिए भैया रेड्डी कृष्णा जी। देखो, आर के नारायणन है, के आर नारायणन, के आर नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति। ठीक है, अगर पूछा जाए दूसरे दलित राष्ट्रपति, तो दूसरे दलित राष्ट्रपति जो वर्तमान में है श्री रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद साहब दूसरे दलित राष्ट्रपति। पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन, पहले सिख राष्ट्रपति जैल सिंह साहब, ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, तो कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यहां पर स्वामी एंड फ्रेंड्स ये उपन्यास किसका है? आपका आर के नारायणन का,
और आर के नारायणन के द्वारा लिखा गया यह पहला उपन्यास है। क्या हो जाएगा? पहला उपन्यास। एक हम और बहुत पहले एक सीरियल आता था जिसको हम लोग मालगुड़ी डेज बोलते थे, वो भी इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। विक्रम सेठ अगर पूछा जाए तो आप गोल्डन गेट बता सकते हैं। गोल्डन गेट किसके द्वारा लिखा गया? विक्रम सेठ के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन अगर पूछा जाए आपसे, मिडनाइट चिल्ड्रन, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हो जाएंगे। ठीक है, जानते हैं यहां पर द गाइड 1958 में भारतीय लेखक आर के नारायणन के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास। उनका पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि 1935 में लिखा गया था। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1932, 1933, 1948 या 1958? फटाफट आंसर करिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, देखो भैया समझना है, सारे के सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इंपॉर्टेंट हैं? अभी निकल के आएगा। ठीक है, देखो भाई 1932 में अगर हम बात करें तो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई। ठीक है, 1948 में बात करें तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना की गई। 1958 में अगर हम बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना की गई। ठीक है, 1933 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1933 में की गई है। फाउंडेड इन 1933, हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। अध्यक्ष हो गए आपके जयश्रीबेन मेहता। अगला प्रश्न, विश्व वैमानिकी और कॉस्मोलॉजी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 14 अक्टूबर को, 14 जून को, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करिए। विश्व वैमानिकी और कॉस्मोलॉजी डे, आंसर करिए भैया। देखो समझना है इसको, विश्व वैमानिकी और कॉस्मोलॉजी डे जो है वो आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व एरोनॉटिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान दिवस, 14 अप्रैल को। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस, 14 अक्टूबर को। 14 जून की बात करें तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस, और रक्तदाता समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही अगर पूछा जाए तो एबी, ठीक है याद रखना है। और अगर आपसे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का कभी रेशियो पूछा जाए तो याद रखेंगे 600 आरबीसी के ऊपर एक डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? तो डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की गई। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, कुलशेखर पांड्या ने कौन सा मूल मंदिर बनवाया था? महाबलीपुरम, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो या एलोरा? फटाफट आंसर करिए। देखो महाबलीपुरम हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, खजुराहो हो गया, एलोरा हो गया, ये कहां पर है? एलोरा अगर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, औरंगाबाद। ठीक है, खजुराहो अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर पूछा जाए तो मदुरै हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको, ये मदुरै हो जाएगा। अब यहां पर कुलशेखर पांड्या ने कौन सा मूल मंदिर बनवाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर, खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने बनवाए, एलोरा के मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाए, महाबलीपुरम मंदिर पल्लव के द्वारा। ठीक है, यह याद रखना है। अब देखिए, मदुरई इज फेमस फॉर इट्स मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, यानी कि मदुरई को अपने मीनाक्षी अम्मन मंदिर के लिए जाना जाता है।
विशाल मंदिर परिसर को शिव को समर्पित है, जिसे यहां सुंदरेश्वर और उनकी पत्नी पार्वती या मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। मूल मंदिर का निर्माण कुलशेखर पांड्या के द्वारा किया गया था, लेकिन मंदिर को आज के रूप में शानदार बनाने का जो पूरा श्रेय है, वो पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? नायक को जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस वंश में सती का प्रथम उदाहरण मिलता है? फटाफट आंसर करिए। सती का प्रथम उदाहरण, अगर हमको 510 का याद होगा, भानुगुप्त का, किसका? भानुगुप्त का अभिलेख। तो भानुगुप्त का अभिलेख याद होगा, और वो भी कौन सा? एरण से, ठीक है, एरण से भानुगुप्त का अभिलेख तो याद होगा आपको। तो इसको हम लोग कहते हैं सती प्रथा का प्रथम साक्षी, ठीक है। गुप्त, क्लियर हो गई भैया बात? क्लियर है, जल्दी से बताइए गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह गुप्तों का क्या है, जल्दी से बताओगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर करिए। गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या है? गुप्तों की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो दीनार बताना है, मुद्रा हो जाएगी दीनार, राजकीय चिन्ह हो जाएगा गरुण, समझिएगा, गरुण हो गया राजकीय चिन्ह, मुद्रा हो गई आपकी दीनार, ठीक है। भारत का नेपोलियन गुप्त वंश का समुद्रगुप्त, ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? सामवेद का, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का? फटाफट आंसर करिए। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? क्योंकि इसी उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद जो है वो इसी उपनिषद में दिया गया है। अगर कभी आपसे पूछा जाए यम और नचिकेता का संवाद, यम और नचिकेता का संवाद, तो याद रखिएगा कठ उपनिषद या कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद, बृहदारण्यक में गार्गी या केवलक का संवाद दिया गया है। उत्तर आ रहा है ऋग्वेद, उत्तर आ रहा है ऋग्वेद। जितने बच्चे ऋग्वेद आंसर कर रहे हैं उनका गलत हो गया, क्योंकि सही उत्तर क्या है आपका? यजुर्वेद। अब देखो समझना है, यहां पर सामवेद संगीत का वेद, यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद, यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसको हम लोग गोपद कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि ब्रह्मा किस वेद का पुरोहित है, तो अथर्ववेद का, ठीक है ना। अगर पूछा जाए उद्गाता किस वेद का पुरोहित है, तो आंसर हो जाएगा सामवेद का, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म से संबंधित है? फटाफट आंसर करना है। रस्त गोफ्तार, गुलामगिरी, हरिजन या इंडिपेंडेंट? फटाफट आंसर करिए कि सार्वजनिक सत्य धर्म से संबंधित कौन सी पुस्तक है। देखो भैया, सार्वजनिक सत्य धर्म से संबंधित अगर पुस्तक की हम बात करते हैं तो रस्त गोफ्तार तो एकदम नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें किसकी, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज ज्योतिराव गोविंद फुले, जिनको हम लोग ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा स्थापित यह संस्था है, और उन्हीं की एक किताब है, हम कह सकते हैं एक संस्था है, जिसको हम लोग कहते हैं गुलामगिरी। तो यह किससे संबंधित है? सार्वजनिक सत्य धर्म गुलामगिरी से। रस्त गोफ्तार, यह याद रखना है, दादा भाई नरोजी से संबंधित। हरिजन महात्मा गांधी, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न, दस राजाओं की लड़ाई ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे में, सातवें में, नवें में या दसवें में? देखो दसराग युद्ध का जो वर्णन है वो किस नदी के किनारे दसराग युद्ध हुआ था? परुष्णी, और परुष्णी को हम लोग रावी नदी भी कहते हैं वर्तमान समय में। अब यहां पर तीसरे में तो होगा नहीं, तीसरे में क्या है? गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है भाई? गायत्री मंत्र है, ठीक है ना। सातवें में बिल्कुल दसराग युद्ध का जो वर्णन है वो सातवें में किया गया है। नवें में यह किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। दसवां मंडल यह पुरुष सूक्त दिया गया है, इसमें कौन सा?
पुरुष सूक्त, और इस पुरुष सूक्त में पहली बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का वर्णन दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, आगा खां पैलेस जिस घटना के स्थल से संबंधित है, किस घटना के स्थल से संबंधित है यह बताना है, गांधी इरविन पैक्ट के स्थल से, या पूना पैक्ट के स्थल से, या साल्ट मार्च के स्थल से, या व्यक्तिगत सत्याग्रह के स्थल से। आंसर करिए भाई, सातवां भैया, सातवां तो हो गया वो दसराग युद्ध। देखो नमा सोमदेवता को है और तीसरे की रचना विश्वामित्र ने की है। ठीक है, आगा खां पैलेस है कहां पर, पूना में है। कहां पर है, पूना पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूना पैक्ट। क्योंकि पूना पैक्ट हुआ कहां पर, तो पूना पैक्ट अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे यरवदा जेल में, और यरवदा जेल कहां पर है, पुणे में है। ठीक है, और यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में, किसके बीच में, गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना समझौता हुआ था 1932 में। क्लियर है बात। नमक सत्याग्रह की अगर बात करें तो दांडी मार्च, यानी कि यह हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट अगर पूछा जाए तो यानी कि यह 1931 हो जाएगा, मार्च 1931। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे यह 17 अक्टूबर 1940 को, और पहले सत्याग्रही कौन बनते हैं इसके, विनोबा भावे साहब पहले सत्याग्रही बनते हैं। क्लियर हो गई भैया बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स लॉग ने किस पुस्तक की, किस लेखक की पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। फटाफट आंसर करिए, क्या वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या राजा राम मोहन राय हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या दीनबंधु मित्र। सबसे पहले तो हमें पुस्तक का नाम पता करना पड़ेगा कि वो पुस्तक कौन सी थी, उसके बाद में हम लेखक बता सकते हैं कि कौन उसका लेखक था। फटाफट आंसर करिए, कंफर्म नहीं है। देखो भाई, जेम्स लॉग ने एक किताब थी, उसका नाम है नील दर्पण। उस नील दर्पण किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और यह नील दर्पण किसके द्वारा लिखित है, दीन बंधु मित्र के द्वारा यह नील दर्पण लिखित है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में, राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राममोहन राय, इनका निधन कहां पर हुआ, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में, बंकिम चंद्र चटर्जी जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है आनंद मठ, और इस आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, भारत के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, रामास्वामी वेंकट रमण, नीलम संजीव रेड्डी, प्रतिभा पाटिल जी, या जैल सिंह साहब। अभी तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, देखो आ गया ना, अभी तक युवा प्रधानमंत्री तो हम लोगों ने पढ़ा है राजीव गांधी साहब, और सबसे ज्यादा आयु के अगर प्रधानमंत्री बात की जाए तो मोरारजी देसाई, लेकिन यहां पर सबसे अधिक युवा राष्ट्रपति कौन हुए, क्योंकि राष्ट्रपति सब जितने भी हुए हैं लगभग 60+ के। आंसर करिए, देखो भाई समझना इसको, सबसे युवा राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होने के साथ में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, पहली महिला राष्ट्रपति, एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे
कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न, पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, तो याद रखिएगा राधा कृष्णन साहब, सर्वपल्ली राधा कृष्णन साहब, ऐसे राष्ट्रपति जिनको कि भारत रत्न दिया गया, ठीक है। लेकिन पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया और इनको दिया गया है 1954 में। क्लियर है। अगला प्रश्न, सिदी बसीर मस्जिद किस शहर में स्थित है, दिल्ली में, अजमेर में, अहमदाबाद में, मुंबई में? सिदी बसीर मस्जिद ये कहां पर स्थित है, आंसर करिए। भैया आंसर करिए, क्वेश्चन कठिन लग रहा है। देखो झूलती हुई मीनार भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा, सिदी बसीर को झूलता हुआ मीनार भी कहा जाता है। और ये दिल्ली में तो है नहीं, अगर पूछा जाए, अगर कभी आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी मस्जिद, ठीक है ना, अगर ऐसे पूछा जाए ओवरऑल भारत में, तो हम लोग एक मस्जिद जानते हैं, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये कहां पर है, तो समझते रहे ना, दिल्ली में। किसने बनवाई, ऐबक ने बनवाई। अगर पूछा जाए आपसे अजमेर में, तो याद रखिएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का अगर झोपड़ा पूछा जाए तो यह भी मस्जिद है। यह भी किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कहां पर है, अजमेर में। अगर पूछा जाए मुंबई में, तो मुंबई में एक बहुत प्रसिद्ध दरगाह है जिसको हम लोग कहते हैं हाजी अली, ये दरगाह है मुंबई में। अगर बात की जाए गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है, कौन सा, गेटवे ऑफ इंडिया भी आपका मुंबई में स्थित है। मुंबई का संस्थापक पूछा जाए तो गेराल्ड डोंगियार है, अहमदाबाद का संस्थापक अहमद शाह है, अजमेर का अगर पूछा जाए तो यहां पर पुष्कर झील है, याद रखना है, यहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, दिल्ली में लाल किला है। और यह लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया, दिल्ली का, शाहजहां के द्वारा। दिल्ली की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई, तो याद रखिएगा शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। तो उत्तर क्या हो गया इसका, सिदी बसीर अहमदाबाद में। समझते हैं अब हम, अहमदाबाद में स्थित सिदी बसीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहां किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है, इसलिए मस्जिद की मीनारों को झूलती हुई मीनारों के रूप में भी जाना जाता है। तो यह बात समझ में आ गई होगी भैया, सिदी बसीर, ठीक है। सिदी बसीर मस्जिद के निर्माण की बात करें तो 1452 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह का एक गुलाम था जिसका नाम था सिदी बसीर, उसके द्वारा बनवाई गई थी। तो अहमदाबाद शहर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे अहमद शाह ने, और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, साबरमती। अब जल्दी से बता दीजिए यह हैदराबाद किस नदी के किनारे है, हमने अहमदाबाद तो बता दिया साबरमती, जल्दी से बताओगे यह हैदराबाद किस नदी के किनारे है। दूसरा प्रश्न आपको बताना है बरेली किस नदी के किनारे है, दोनों आपको बताना है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है और बरेली किस नदी के किनारे स्थित है, बताओ भैया। देखो साबरमती तो हो गया ये अहमदाबाद, लेकिन हमने पूछा है हैदराबाद। मूसी, दिलीप कुमार कह रहे हैं एकदम सही भैया, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। और बरेली अगर पूछा जाए तो गंगा नहीं कहेंगे, राम गंगा कहेंगे, बरेली स्थित है इसके किनारे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आज हमारे प्रश्न यहां पर समाप्त होते हैं, फिर इसका पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन आज का विशेष ज्ञान हम जानेंगे जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, आज के विशेष ज्ञान में टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, और इसके बैक्टीरिया का नाम अगर हम बात करें तो साल्मोनेला टाइफोसा है। लक्षण क्या होगा, तेज बुखार और सिरदर्द, ठीक है। अगर हैजा की बात करें तो हैजा से भी इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, और विब्रियो कॉलेरी इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसके सिम्टम लगातार वॉमिटिंग होगी और स्टूल कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ट्यूबर किलोसिस की, जिसको हम लोग टीबी के नाम से, यक्षमा के नाम से जानते हैं, इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा,
और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है, खांसी के साथ में कफ भी इसमें आता है, इसका सिम्टम होता है। निमोनिया अगर इसकी बात करते हैं, लंग्स को प्रभावित करता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका नाम है बैक्टीरिया का, तेज बुखार और लंग्स में स्वेलिंग इससे हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन रहे, हमने यहां पर 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसका जो 20 पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आलोक महिंद्रा के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, और उससे आप लोग डिस्कस को क्लिक करेंगे तो ज्वाइन पर ज्वाइन करेंगे आप, हम सभी का हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और उस पर आपको सारी चीजें ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगर हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, क्लास अच्छा लगा हो तो भैया लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.